हमारी लाइफ के सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है, जब रहे खुश रहे आबाद रहे हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहे बिल्कुल फूलों की तरह। तो जो हमारे चैनल पर न्यू हो चुके हैं जल्दी से सब्सक्राइब शेयर लाइक और अच्छे अच्छे कॉमेंट। तो आज आप देख रहे हो कि डंडे कैसे चला रही है, क्योंकि मैं आज आ चुकी हूँ, 3-4 दिन हो गए अम्मी के घर आई हूँ। तो मैंने कहा अभी लोग घर नहीं बना सकती थी क्योंकि सब लोग थे, इसलिए मैंने कहा चलो बाहर चलते हैं थोड़ा सा घूम फिर भी आते हैं और कपड़े वगैरह भी धो लेते हैं। अनाया लोगों के कपड़े वगैरह धोने वाले थे, अनाया की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैंने कहा चलो बाहर थोड़ा सा घूम भी लेंगे। मसलन ये हमारा विलेज है, हमारे घर जो है ना उस तरफ है, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करें, क्योंकि ये अनजान बंदा है जो मेरी वीडियोज बना रहा है, तो मेरी कज़न है, इसीलिए ना उससे मसलन ये दिखाया नहीं जाएगा क्योंकि वो सीधा कैमरा बस इस तरह पकड़ के बैठी हुई है। चले खैर कोई बात नहीं, तो मैं दिखा दूँगी हमारा स्कूल भी है जो माशाल्लाह इतना प्यारा बना हुआ है, और जो हमारे घर है वो इस साइड पे, हम जो है ना इस साइड पे बाहरी साइड पे आए हैं। मैंने कहा चलो छोटी सी वीडियो भी बना लेंगे क्योंकि आज दो तीन दिन हो गया वीडियोस भी नहीं बनाए, और कपड़े भी डंडे से कुटकर धो लेंगे अच्छी तरह सफाई के साथ। और ये देखें ये नहर वाला पानी है, बहुत इतना ये गंदा नहीं है, मैं सबसे प्यारा प्यारा खाला है छोटा छोटा, और साइडों पे ये पटड़ियाँ हैं, हमारे जो होते हैं ना पटड़ियाँ बिल्कुल नहीं होती, ये बैठे के लिए पटड़ियाँ भी होती है मतलब बड़ी बड़ी होती है, नीचे से ना गट्टू या कोई चौपड़ वगैरह बिछा के फिर आराम से ना कपड़े धो लेते हैं। उधर सब लोग कपड़े धो रहे हैं, उधर भी काफ़ी उधर मत घुमो अल्लाह की बंदी, वो कैंग के हमारी वीडियोज बना रहे चल रहे आप तो घूम गया कैमरा, खैर कोई बात नहीं है। तो वो जो है ना आंटी एक आ रही है वो उसने सर पे रखी हुई है, कुछ नहीं होता नहीं हो अंधेरी कैमरे को मार कर रखी वो कहेगी कि हमारी वीडियोस बने, वो मेरे सर पे डंडा आके मारेगी कभी नहीं। तो ये बस मैंने धो के फिर जो है आप लोगों को दिखाती हूँ हमारे विलेज, हमारे जहाँ मतलब कोई कुछ लोग तो होते हैं ना घरों के बीच में जानवर वगैरह जो है ना रख लेते हैं, हमारे घरों में नहीं रखते, हमारे जो है ना अलग जो है ना देरे बने हुए हैं जिस पे ना जानवर रखते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। तो आगे के लोग आप लोगों से शेयर करें, स्किप नहीं करना, आज मेरा बाइक का देख रहे कैसे है और इस तरह मज़ेदार लोग आप लोगों से शेयर करते हैं, क्लिक कर दो। जी तो अलहमदिल्ला से कपड़े जो है ना काफ़ी मैंने धो लिए, अभी जो है ना थोड़े से रहते हैं। अनाया खान कह रही है मेरे पेट में जो है ना दर्द हो रही है, पता नहीं सर अब क्या हो गया, तो अल्लाह पाक खैर करे। और मैंने ना कपड़े कुछ धो लिए, कुछ ये मेरी पैंट थी पहले ईद पे बनवाई थी लेकिन इधर रह गई थी, मैंने कहा चलो इसको दोबारा वॉश कर लेते हैं, मैं जो है ना इसको कमीज के साथ पहनूंगी। और बोला हमारा उधर कैमरा मैन घुमा, जूम करे थोड़ा, हाँ ऐसे जूम करे, ये बड़ा है स्कूल कितना प्यारा प्यारा है, साथ में खाला मतलब साथ में घर है हमारे। तो जो है ना मैं इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाऊंगी क्योंकि मैं अभी थोड़े से ना कपड़े धो लूँ, तो फिर जो है ना इंशाल्लाह वो भी दिखाऊंगी। इधर उठ के थोड़ा सा इधर दिखा हमारा जो मसला ना माइक का सिस्टम है कैसे वो जानवर वगैरह रखते हैं, हमारे घरों में नहीं रखते अल्लाह का शुक्र है, हमारे जो है ना अल्लाह छोड़े। जी तो ये देखे जी, ये देखे ये भी दे रहा है, इन्होंने भी अपने जो है ना जानवर वगैरह इधर बांधे हुए हैं, तो इधर भी है ये जो है ना अपने जानवरों के जो है ना देरे बनाए हुए हैं, ये देखे इधर जो है ना वैडे के साथ पीछे रेड़ी बांधी है और घास वगैरह लेके जा रहे हैं। हमारे जो है ना गाँव में ऐसा होता, मैंने कहा इंशाल्लाह दिखाऊंगी, ये देखे ये भी दे रहा है। इधर मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इधर धूप है बहुत ज़्यादा, तो माशाल्लाह ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है जो है ना हमारा सिस्टम है, हम जो है ना घरों में नहीं रखते, ये देखें इधर जो है ना गाय कितनी प्यारी नज़र आ रही है, ये मैं आपको दिखा
आते थे। ये हमारे घर के मसलन हमारे भी जानवर जो है ना, कभी जिनके हमारे रिश्तेदारों के थोड़े बहुत होते हैं हम भी इधर बांधते हैं। ये हमारे जो है ना गांव के नंबरदार हैं, इधर हम भी बांध देते हैं। हमारे पहले जो हमारे भाई ने रखे हुए थे जानवर वगैरह जो भी थे ना, इधर बांधे हुए थे। तो इसके आगे जो है ना सारा पूरे घर है, मतलब पूरा जो है ना गांव है हमारा। तो इधर बस ये बाहर वाली साइड है, इनके बाबा की कॉल आ रही है, ये बाहर वाली साइड है। और ये जो है ना हमारे आगे जो है ना, इसके आगे जो है ना घर है पूरे, मतलब पूरी बस्ती घर ही घर है। तो इधर देखिए हमारा स्कूल, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। इधर से दिखाते थे क्योंकि आगे कपड़े वगैरह जो है ना लगे हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह इतना प्यारा स्कूल बना है, बहुत ही प्यारा। ये लड़कियों वाला है और ये जो आगे ना लड़कियों वाला है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बना हुआ। उधर जो है आंटी जो है ना कपड़े धो रही है, माइया खैर कुछ नहीं होता, उसकी वीडियो बना ले। ये देखिए इस इधर जो है ना, ये भी एक बूढ़ी कपड़े धो रही है। इधर भी काफ़ी लोग धो रहे हैं लेकिन अभी जो है ना उठ गए हैं, क्योंकि इसीलिए मैंने कहा बाद में वीडियोज़ बनाती हूँ। मेरे भी थोड़े से कपड़े रह गए। ये देखिए आप ही का एक सूट है और एक मेरा, बस बच्चों के जो है ना इधर धुल गया। ये बाद में जो है ना इनको दोबारा वॉश करते और रखते हैं इधर तंगारी में। फिर चलते हैं घर। सारे धो रही अभी, ये पता नहीं गट्टू किसके थे, इधर बैठ के हमने धो लिए। ये इधर रख के चलते हैं क्योंकि ये दुपट्टा जो है ना उसको पड़े, तो अभी जो है ना इसको उठाते हैं और चलते हैं घर। कपड़े जो है ना धुल चुके हमारे, तो हमारे जो घर है ना उसके साथ जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, मतलब इतनी पटड़ी बड़ी नहीं होती। अलग अलग बैठने की जगह जो है ना फुल है, मतलब बैठे और कपड़े जो है ना सीने में ये मतलब पानी से भरे हुए हैं। तो मैं किस तरह उठा के ले गया, मैं सोच रही हूँ आधे जो है ना इसको उठाऊंगी क्यों और आधे जो है ना मैं उठा के जाऊँगी। अभी जो है ना मैंने चीज़ समेट लेती हूँ, फिर जो है ना चलते घर। आया घर मुझे लगता है भूख लगी हुई, तो घर जाके आपको मिलते हैं।